फ्रेंड्स, वेलकम टू केम शास्त्र। एक एक्चुअली हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक रिक्वेस्ट डाली थी, अथर्व ने बोला था सर केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर कुछ टॉपिक चालू कर देना आपने। तो इसीलिए जैसे ही मैंने उसको कमिट किया था, मैंने बोला था कि जैसे ही अपना पीरियोडिक टेंस का कंसेप्ट खत्म होता है, आई विल स्टार्ट विद द केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो। तो जैसे आप अगर किसी को कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट रहेगा वीडियोज का या तो फिर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स का, तो आप वो डाल देना। आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियोज ऑन दैट। तो अथर्व, जैसे मैंने आपको कमिट किया था, तो आपके लिए ये मैंने केमिकल काइनेटिक्स का सीरीज चालू किया हुआ है, एंड ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हेल्प ऑल द अदर गाइस एज वेल। सो लेट्स बिगिन। तो पहले देखते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, ठीक है। सो ये वीडियो में हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि काइनेटिक्स मतलब क्या स्टडी करेंगे, ये चीज है क्या, ठीक है, एंड इसका इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं, ठीक है। देन कल से आपको सब कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज पहले हम लोग देख लेंगे इसका डेफिनेशन, इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, और उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वो भी मैं आज आपको बता के रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, दैट विल बी ऑन द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर वो वीडियो रहेगा। तो बेसिकली देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो आपका रटा हुआ डेफिनेशन, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ऑब्वियसली इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस रेट्स and the mechanism by which this reaction occurs. So kinetics में हम लोग क्या study करते हैं, we try to study the chemical reactions. उसमें specifically हम लोग क्या study करते हैं, the factors which can influence the rate of the reaction, ऐसे चीजें कि जो rate of the reaction बदल सकता है, and based on that उसका mechanism हम लोग predict करते हैं. So obviously mechanism is also one thing that we get to know by chemical kinetics. तो ये book का definition हुआ। अभी बच्चा लोग मेरे को बताओ एक चीज कि काइनेटिक्स मतलब क्या रही, कि जो भी चीज मूव हो रहा है उसमें काइनेटिक्स आएगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्टली, इफ आई वांट टू टेल यू, हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो आपको कल के वीडियो में पता चल जाएगा, बट ऑब्वियसली हमें यहाँ पे रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर मुझे अगर सिंप्लीफाइड टर्म में बोलना, तो हमें यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करना है, किसका रे, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभी स्पीड ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे तुम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग अगर सपोज बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, देयर इज अ पॉइंट ए, मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है, और मैं एक बाइक लेके ये रूट कवर करने वाला हूँ। जस्ट इमेजिन कि ये दिस डिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, सो मे बी आई कैन हैव मेरा एवरेज, मेरे को स्पीड पता चल गया, ठीक है। अभी एवरेज स्पीड कैसे पता चलेगा मेरे को, सपोज ए टू बी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस आई एम जस्ट गिविंग एजम्पशन, एज्यूम वैल्यूज, ठीक है, 10 आवर्स मेरे को लगा कंप्लीट करने के लिए या तो फिर पहुंचने के लिए, इतना टाइम लगता नहीं, बट जस्ट आई एम गिविंग अ रैंडम फिगर। सो अगर मेरे को 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 घंटा लगा, तो 100 डिवाइड बाय 10 मतलब एक घंटे में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज योर स्पीड, बराबर है, ये तो आप सबको पता है। तो मेरा स्पीड क्या था, 10 किलोमीटर पर आवर, इतना घटिया तो स्पीड कोई बाइक पर नहीं चला था, ठीक है, until unless there's a heavy traffic, but still हम लोग ये assume कर रहे हैं, okay? तो कुछ समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि स्पीड जो होता है जब हम लोग व्हीकल चलाते हैं, चलते हैं या दौड़ते हैं, तो स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी डिस्टेंस कवर्ड हुआ डिवाइडेड बाय द टाइम, यू विल गेट अ डिस्टेंस और द स्पीड फॉर पर आर, पर मिनट या पर सेकंड, जो भी निकालना होगा, ये सब चीजें हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं। तो काइनेटिक्स में भी जो हम लोग रेट बोलते हैं या तो फिर काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं, उसको भी हम लोग पर सेकंड या पर मिनट या तो पर आवर में स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, यहाँ पे मूवमेंट है, ठीक है, कुछ तो चीज है वो चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। तो काइनेटिक्स में ऐसी क्या चीज है कि दैट इज गोइंग टू चेंज पर यूनिट टाइम। ऐसा आपने कभी देखा है कि आप एक रिएक्शन कैरी कर रहे हो, एक कॉनिकल फ्लास्क था, कॉनिकल फ्लास्क में आपने कुछ रिएक्शन भरा हुआ था, ए प्लस बी का मिक्सचर था, एक पॉइंट पे आपने रखा था, और थोड़े टाइम के बाद वो अगर आपने आके देखा 5-10 मिनट के बाद, तो ये इसने अपना डिस्टेंस चेंज कर दिया, ठीक है, बीकर नाचते हुए या तो फिर चलते हुए यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। वैसा तो नहीं होने वाला, बीकर तो चलने वाला नहीं है, रिएक्शन भी चलने वाला नहीं है, तो रिएक्शन में कुछ तो रहेगा कि जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, तो वो कुछ तो चेंज क्या है, वो जो रहता है दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इज द थिंग दैट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम इन अ रिएक्शन। अभी कॉन्सेंट्रेशन किस चीज का, सो व्हेन यू से दैट वन रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे दो चीजें होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑल्सो चेंजेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो चेंजेस, सो दोनों चेंज होता है। अभी डिफरेंस इतना है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको रिएक्शन कैरी आउट करना है, तो रिएक्शन से प्रोडक्ट मिल रहा है एट अ जीरो टाइम, इसका कॉन्सेंट्रेशन विल बी 100%, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विल बी 0%, क्योंकि रिएक्शन चालू नहीं हुआ है।
सब ठीक है, सपोज अगर 100% कंप्लीशन के लिए ये रिएक्शन को 10 मिनट लगता है, तो 5 मिनट में रिएक्शन कितना होगा इसका 50%, तो 50% ऑफ रिएक्टेंट विल बी कंज्यूम, मतलब क्या 50% ऑफ द रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ रहेगा एंड 50% ऑफ द प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म हुआ, मतलब बढ़ गया होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन इज अ वन ऑफ द पैरामीटर इन अ रिएक्शन दैट वी टेक इन टू कंसिडरेशन वेन वी टॉक अबाउट अ केमिकल काइनेटिक्स, दैट्स अ फर्स्ट थिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। अभी काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है वो भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेटिक्स ठीक है। इसके पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू से कि व्हाट वी डू, फर्स्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ क्विकली रिएक्शन मिक्सचर अप्रोचेस इक्विलिब्रियम। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स का कुछ लेना देना है क्या, ठीक है थोड़ा सा लेना देना है। अभी कौन से सेंस में, थर्मोडायनेमिक्स आपको आंसर देता है वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल ठीक है। तो थर्मोडायनेमिकली अगर आपने बोला दिस रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर आपने बोला कि थर्मोडायनेमिक दिस रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड, दैट मीन दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, यू डू एनी डैम थिंग ये रिएक्शन जिंदगी में कभी होगा नहीं ठीक है आपसे। तो इसका मतलब क्या कि थर्मोडायनेमिक आपको आंसर देता है फॉर अ रिएक्शन वेदर इट्स पॉसिबल और वेदर इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स द ओनली थिंग व्हाट थर्मोडायनेमिक्स टेल्स यू। काइनेटिक्स ऑन द अदर साइड आपको बताएगा कि अगर होगा तो कितने टाइम में होगा, नहीं होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बट अगर होगा तो कितना टाइम उसको लगेगा, दैट्स वेयर केमिकल काइनेटिक्स कम्स इनटू पिक्चर। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है फिर, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस वाला रिएक्शन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ठीक है, बहुत जल्दी एकदम इंस्टेंटली रिएक्ट होता है एंड यू गेट अ सॉल्ट एंड वाटर वाला मिक्सचर ठीक है। सो थर्मोडायनेमिकली दिस रिएक्शन इज फेवर्ड ठीक है, और बहुत रैपिड रेट से रिएक्शन ये हो जाता है ठीक है, तो काइनेटिक्स भी इसका अच्छा है। बट थर्मोडायनेमिकली और एक रिएक्शन है कि डायमंड एंड ऑक्सीजन कैन रिएक्ट एट अ रूम टेम्परेचर, ऐसे ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली अगर आपको मैं पूछूंगा रिएक्शन पॉसिबल है क्या, तो ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली तो फेवर्ड है, बट इसका अगर काइनेटिक्स देखोगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है ठीक है। सो इसका एट अ रूम टेम्परेचर रिएक्शन होना इतना कम है कि वो ना के बराबर है ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स ये बताएगा कि ये है पॉसिबल या नहीं पॉसिबल है, बट काइनेटिक्स आपको बताएगा कि इसका स्पीड क्या होगा ठीक है। सो काइनेटिक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मायने रखता है ठीक है। अभी क्यों मायने रखता है तो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने जैसे बोला स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ क्विकली रिएक्शन मिक्सचर अप्रोचेस इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम स्टडी करने के लिए आपको ये काम आता है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आंसर्स बाय द केमिकल काइनेटिक्स। सेकंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर आपको याद है तो SN1 रिएक्शन, मैं आपको चाहिए तो वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, SN1 रिएक्शन एंड SN2 मैकेनिज्म एक बार देख लेना। ये दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके पास दो तीन ऑप्शंस रहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म्स, उसमें से जस्ट बेस्ड ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन हम लोग फाइनल करते हैं कि इसमें से कौन सा वे है कि जिससे मैकेनिज्म पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं काइनेटिक्स ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। वेन यू हैव दो तीन ऑप्शंस रहते हैं कि ये भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो इन दैट केस योर केमिकल काइनेटिक्स हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड, जॉट डाउन मतलब बोल देना, एक शॉर्टलिस्ट करने में मदद करता है अपना काइनेटिक्स ठीक है। सो काइनेटिक्स बोलेगा नहीं काइनेटिक्स के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं, सो विल से दिस इज द रिएक्शन विच इज गोइंग टू बी पॉसिबल बेस्ड ऑन द काइनेटिक्स ऑब्जर्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी। सो इसलिए केमिकल काइनेटिक्स आपको मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट करने में भी मदद करता है। थर्ड थिंग इट हेल्प्स इन द इट हैज अ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अभी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कौन सा है, तो एंजाइम्स वी हैव इन अवर बॉडी ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स है जो अपने पास बायोलॉजिकल रिएक्शंस होता है दे आर रैपिड रिएक्शंस, तो ये सब बायोलॉजिकल रिएक्शन स्टडी करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स का काम आता है। सो एंजाइम बेस्ड एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शन जो अपने बॉडी में होता है विच आर बायोलॉजिकल रिएक्शंस, उनको स्टडी करने के लिए, उनका स्पीड स्टडी करने के लिए, हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे बिहेव इन अ ह्यूमन बॉडी, वो सब स्टडी करने के लिए ऑब्वियसली काइनेटिक्स कम्स इन टू प्ले। यहाँ पे काइनेटिक्स आपको मदद करता है ये डेटा जनरेट करने के लिए। अलॉन्ग विद दिस इट हैज एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस। अभी एनवायरमेंट सिग्निफिकेंट कौन सा, टू स्टडी द रिलेटिव रेट्स ऑफ फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। जैसे कि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में ओजोन मॉलिक्यूल है, लेयर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल दैट कीप्स अस सेफ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट आर कमिंग फ्रॉम द वॉट सनलाइट। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑब्वियसली दे आर हार्मफुल फॉर अस, तो इसमें ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन का रेट आपको अगर पता चल गया तो आप इससे स्टडी कर सकते हो कि आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये जो एटमॉस्फेयर में अपने पास जो ओजोन मॉलिक्यूल का लेयर है, वेदर इट्स अ स्ट्रॉन्ग लेयर और वेदर देयर इज समथिंग्स विच आर हैपनिंग ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया तो इट कैन हैव अ ग्रेट ग्रेट हार्मफुल इफेक्ट, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उतना ज्यादा पास होगा फ्रॉम अवर एटमॉस्फेयर एंड ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर नोन टू हैव अ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, दे कैन कॉज अ कैंसर। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द रीजन कि दे आर नॉट गुड फॉर अस।
सो इसीलिए ये स्टडी करने के लिए भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना है कि ओजोन मॉलिक्यूल कितना जल्दी फॉर्म हो रहा है, कितना डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो स्टडी करने के लिए भी हमें इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इट हैज एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस। अगर हर जगह पे देखोगे तो हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और अगर काइनेटिक्स के टर्म में मुझे बोलना है तो स्पीड मत बोलो, इसको बोलो रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन का आंसर मुझे मिलता है, वहां पे मुझे ये सब चीजों का आंसर मिलता है। सो ऑल दिस इंपॉर्टेंस आर ओनली बिकॉज ऑफ वी कैन स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन इन केमिकल काइनेटिक्स। तो इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी है इसका। अब इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो केमिकल इंडस्ट्रीज द केमिकल प्रोसेसेस आर प्रॉफिटेबल इफ द रिएक्शन रेट्स आर फास्ट। सपोज एक एज्यूम करो, मैं हर टाइम एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी जिनको एक कुछ मॉलिक्यूल बनाना है, ए मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, आपने ये ए मॉलिक्यूल बनाने के लिए कुछ तो उनको मेथड बना के दिया, एक्स कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड टू द ए मॉलिक्यूल और द ए कंपाउंड बाय सम डिफरेंट स्टेप्स या तो फिर जो भी रहेगा विद अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस। लेकिन और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, और आपने बोला ये रिएक्शन होने के लिए 2 साल लगता है, ठीक है, जैसे आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि ये कितना मतलब हॉरिबल चीज़ है, ठीक है, कि 2 साल अगर आपने बोला ये रिएक्शन करने के लिए लगता है, कोई भी इंडस्ट्री इसे इंप्लीमेंट करेगी क्या, सवाल ये पैदा होता है। क्यों? बिकॉज भाई ये देखो, तुम लोग जब एक रिएक्शन करोगे कि एक्स चीज जो है वो ए में कन्वर्ट होगा, उस टाइम पे वो रिएक्शन वेसल में होगा, उसका कुछ तो प्रोडक्शन रहेगा, उसका क्वांटिटी रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी द ह्यूज क्वांटिटी, इट इज गोइंग टू कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी, सो एनर्जी इट इज गोइंग टू कंज्यूम, अलॉन्ग विद दैट ये एक मैन पावर कंज्यूम करेगा, अभी डिपेंड्स कि कितना मैन पावर लगता है इसमें, ठीक है, सो इट देर इज गोइंग टू बी द कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस, ठीक है। तो 2 साल भाई तूने अगर बोला ये रिएक्शन करने के लिए लगता है, इंडस्ट्री वाले तेरे को बाहर लात मार के हकाल देगा कि ये मेरे को रिएक्शन करना नहीं है और तू भी बाहर जा, घर पे बैठ, ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 साल में इतना जो कॉस्ट बढ़ेगा इसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ रिएक्शन विल नॉट बी फेवर्ड इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, कि अगर आपने बोला ये कन्वर्जन में कर सकता है बाय यूजिंग सम कैटलिस्ट और बाय यूजिंग सम डिफरेंट मेथड, अगर आपने बोला कि मैं एक्स को ए में कन्वर्ट कर सकता है विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स और इवन इफ यू से 12 आवर्स का ये रिएक्शन कंप्लीट होता है 12 आवर्स में, इवन इंडस्ट्री कैन थिंक अबाउट इट कि अगर ये इतना कंपाउंड वैल्यूएबल मॉलिक्यूल बन रहा है बाय दिस मेथड विद इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू ऑब्वियसली 2 ईयर्स 12 घंटा तो कमी है, तो इवन इंडस्ट्री कैन थिंक ऑफ इट और ऑब्वियसली उसके ऊपर सोच सकते हैं और वो रिएक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड दे कैन मेक अ मॉलिक्यूल ए फ्रॉम कंपाउंड एक्स, ठीक है। अगर आपने कल जाके बोला कि सर मेरे पास और एक मेथड है जहाँ से मैं ये मॉलिक्यूल 12 घंटे की जगह पे 5 मिनट में बना सकता हूँ, ऑब्वियसली योर इंडस्ट्री विल बी वेरी हैप्पी अबाउट द वे यू आर मूविंग बिकॉज आपने इसका और टाइम कम कर दिया। आप जितना टाइम कम करोगे रिएक्शन का उतना वो कॉस्ट एफिशिएंट बनेगा, ठीक है, और ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल whenever you are going to develop any new product, any new reaction, ठीक है, तो ये बहुत मायने रखता है इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री आर देयर टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है, ऑब्वियसली anyone is running industry is there to make a profit, but obviously अगर आप ऐसे घटिया रिएक्शन दोगे कि 10 साल 4 साल 10 साल, आपने बोला और एक कोई तो आ गया होशियार बंदा और बोला साल मेरे पास रिएक्शन है मैं आपको बना के देगा, 20 ईयर्स लगेगा ये रिएक्शन कम्प्लीट होने के लिए, भाई तू जब तक ये रिएक्शन लगा के चला जाएगा तेरा बच्चा आएगा रे इंडस्ट्री में, ठीक है, ऑब्वियसली दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है, इंडस्ट्री में कभी सोच भी मत लेना गलती से कि रिएक्शन को कोई कैरी आउट करना चाहेगा भी, ठीक है, सो दैट्स नॉट द वे हाउ इट हैपन्स। सो इसीलिए कॉस्ट मैटर्स एंड इसीलिए रिएक्शन रेट बहुत मैटर करता है कि रिएक्शन कितना जल्दी होगा। अब यहाँ पे अगर आपने बोला ये 12 घंटा पहले रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे अभी 5 मिनट में होगा, तो आई कैन यूज रिमेनिंग टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसके वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें मैन पावर कम कंज्यूम होगा, एनर्जी कम कंज्यूम होगा, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट कॉस्ट विल गो डाउन, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन हैज अ सिग्निफिकेंस, ठीक है। आई होप दिस वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पार्ट, सो डोंट कंसिडर कि हम लोगों ने काइनेटिक्स में एक्चुअली एंटर किया, तो ये सिर्फ क्या पता है क्या, मैं हर टाइम बच्चों को बोलता हूँ कभी भी है ना कोई भी चैप्टर चालू करते हो पढ़ने के लिए तो उस चैप्टर का मीनिंग क्या है वो पहले देख लो यार, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है थर्मोडायनेमिक्स चालू कर दिया, काइनेटिक्स है काइनेटिक्स चालू कर दिया, भाई देखो पता है क्या, देख यार सिंपल मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अगर आप किसी रिलेटिव्स के या फ्रेंड्स के घर पे जाते हो आप पहले एक चीज़ क्या करते हो, डोर पे एक नेम प्लेट लिखा हुआ रहता है, वो नेम प्लेट देखते हो, वो नेम प्लेट पढ़ते हो इफ यू गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन द हाउस, ठीक है, तो क्यों पढ़ते हो, क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर कि जिस या सपोज आपके फ्रेंड ने बुलाया हुआ है तो उसके डैड का नाम या तो सर नेम पता होगा आपको, तो नेम प्लेट पे वो देखने के बाद यू आर अश्योर्ड कि ये घर राइट है और मैं अभी इसमें एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं पे भी डायरेक्टली जाके रैंडमली आप घुसते नहीं हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप चैप्टर पढ़ना चालू करते हो, इट्स अ फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू टच दैट चैप्टर, ठीक है, उस टाइम पे सोचो यार ये इसका मीनिंग क्या है, केमिकल, ठीक है केमिकल मतलब हमें पता है केमिकल्स क्या होता है, हर चीज़ केमिकल है, वाटर केमिकल है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड केमिकल, सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल, ओके, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब स्पीड, ठीक है, सिंपल फंडा। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन का स्पीड कैसे डिटरमाइन करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, एंड हाउ इट कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज अ कोलिजन थ्योरी, सो ये बहुत सारी चीजें हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। सो स्लो एंड स्टडी वी आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस्ड ऑन विच यू गोइंग टू अंडरस्टैंड काइनेटिक्स एज द subject, kinetics as a topic, okay? So thanks for watching, and these are the platforms where we are present. So www.facebook.com/gameshastra, this is an open group for all the students. Aap ye group join kar sakte ho, yahan pe agar aapko kuch questions rahega, you can put that questions. If I'll have the time, I'll answer these questions. Aur agar kisi aur ko aur ke paas uska solution rahega to aapko answer provide kar sakta hai. So it's an open forum, theek hai, aapko kuch bhi, you don't have to pay anything for this. It's an open forum, open group for the discussion of the questions for your of your competitive exams, and even jo bhi agar aapko kuch zyada dimag mein khatak raha hai chemistry related, you can ask that questions in this particular group, okay? So it's a study forum from Gameshastra. You can subscribe to our channel on YouTube, www.youtube.com/gameshastra. So obviously subscribe karo, utna aapko number of videos zyada milega, aur jo bhi aapka requirement hai aap comment box mein dal dena ki sir ye ye topic hai, iske upar video banao, I'll make video on that, theek hai? नेक्स्ट वन इज इंस्टाग्राम, वी आर ऑल्सो ऑन द इंस्टाग्राम, www.instagram.com/gameshastra, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे कोट्स जो है वो अपडेट करते हैं, देन अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो पुट द अमेजिंग फैक्ट्स इन द केमिस्ट्री जो हम लोगों को पता है, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग अवर ओन वेबसाइट डेडिकेटेड टू ऑल दिस स्टफ, दैट्स www.gameshastra.com, प्लीज विजिट अवर वेबसाइट सो दैट ये सब चीज़ें जो है फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट देर आर फ्यू ब्लॉग्स दैट आई हैव रिटन जस्ट एज टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स एंड टू मोटिवेट यू फॉर योर लाइफ, ठीक है, तो थोड़ा सा वो ब्लॉग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड केमिस्ट्री के नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे विच आर ऑब्वियसली फ्री टू एक्सेस, सो डोंट वरी कि ये जाके यहाँ पे पैसा भरना पड़ेगा या क्या होगा, दिस इज अ फ्री ऑफ फ्री फॉर यू, ठीक है, सो आप डायरेक्टली जाके आप ये रेफर कर सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, अभी तक लॉकडाउन इज स्टिल देयर, सो यू गाइस स्टिल हैव द टाइम, ठीक है, बहुत आपके पास टाइम है टू स्टडी वेल, ठीक है, तो ये यूटिलाइज कर रहा है यार। और जैसे मैं हर टाइम बोलता हूँ, कभी भी अगर आज आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आदत नहीं है, अगर सपोज यू आर स्टैंडिंग एट अ जीरो, मैं ये सब चीज वीडियोस, रिमेंबर वन थिंग, ये वीडियोस सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट या स्मार्ट बंदे वाले कैटेगरी के लिए नहीं बनाता, आई एम मेकिंग अ वीडियोस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो टीचर कभी ये नहीं करता, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन नहीं रखता, ये स्मार्ट बंदा है, ये इंटेलिजेंट है, दिस वीडियोज आर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, इवन दोस हु आर एवरेज, इवन दोस हु आर बिलो एवरेज, की जिनको समझ में नहीं आता काइनेटिक्स, दैट्स ए रीजन कि मैं एक सिंपल फॉर्म में, सिंपल टर्म्स में बच्चों को सिखाना चाहता हूँ ये चीज़ होती क्या है। तो इसलिए जब मैं बोलता हूँ कि इफ़ यू आर एट अ जीरो आवर्स, जो लोग स्मार्ट है, जो लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बुरा मत मान लेना यार, ठीक है, मैं आपको कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, देर आर फ्यू गाइस कि हु आर एट अ जीरो, ठीक है, कि पढ़ने के लिए अभी तक चालू ही नहीं किया, तो इफ़ यू आर एट अ जीरो आवर्स प्लीज स्टार्ट विद द टू आवर्स, ठीक है, एक जगह पे बैठ के पहले चालू करूँ, ठीक है, आपको बैठने को भी नहीं होगा एक जगह पे दो घंटे के लिए, आई कैन गिव दैट इन राइटिंग, तो ऑब्वियसली आपको वो चालू करना पड़ेगा, पहले दो घंटे एक जगह पे बैठ के पढ़ो, पहले आपका फेवरेट टॉपिक्स लो, पहले आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स लो, एक बार ये दो घंटे का आदत हो गया एंड इट विल टेक अ टाइम, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, मत बोलो मैंने एक दिन में दो घंटा किया दूसरे दिन चार घंटा, नहीं होगा, ठीक है, एटलीस्ट वन वीक तो लगेगा आपका, आपको एक आदत बनने के लिए कि आप दो घंटे पढ़ सकते हो एकदम कंफर्टेबली, दो घंटा एक बार आपका हो गया तो फिर चार घंटा पढ़ना चालू कर देना, ठीक है, नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक गो फॉर अ 6 आवर्स एंड देन नेक्स्ट वीक गो फॉर अ 8 आवर्स, ठीक है, एट योर लेवल, इफ यू वांट टू बी इनटू दिस ब्रांड इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs यू हैव, देन यू हैव ICTs, ठीक है, देन यू हैव ISERS, ठीक है, कहीं पे भी अगर एक ऐसे ब्रांडेड जगह पे जाना है, देन यू हैव ISE बैंगलोर, ठीक है, देन यू हैव फ्यू NITs, ठीक है, अगर कहीं पे भी ऐसे ब्रांड चाहिए आपको तो आपको एफर्ट्स मारना ही पड़ेगा बिकॉज कॉम्पिटिशन है, ठीक है, 8 घंटा तो 6 to 8 hours इज द मिनिमम स्टडी दैट यू गॉट टू डू, ठीक है, तो अभी इसमें क्लास का टाइम इंक्लूड नहीं होता, आपके लेक्चर्स का टाइम इंक्लूड नहीं होता, आई एम टॉकिंग अबाउट 6 to 8 hours ऑफ सेल्फ स्टडी, जितना अच्छे से कर सकते हो दैट्स बेटर फॉर यू, ठीक है, तो प्लीज यार एफर्ट्स मारो, ठीक है, टाइम गया नहीं है, अगर 12th में हो आप सोच रहे हो कि यार 11th में तो कुछ किया नहीं अभी मैं क्या करूँगा, वक्त है, ठीक है, अभी भी चीज़ें बदल सकते हो, कंपेयर मत करना अपने आप को विद द स्मार्ट या तो टॉपर्स आपके बैच के साथ, आपके बैच के जो टॉपर है उनको हर टाइम कंपेयर मत करना, ठीक है, यू मे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ स्टडी, यू मे हैव अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर एंड ऑब्वियसली आप पीछे से आके भी आगे चले जा सकते हो, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्राई योर 100% और फिर बाद में देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, पहले चीज़ अपना 100% डालना भी चालू करो एंड प्लीज़ बी फोकस्ड, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश अ काइनेटिक्स पार्ट फर्स्ट, उसके बाद फिर जिनका कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगा
वो रिक्वायरमेंट मैं धीरे धीरे लूंगा। ओके सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।